तो गाइस यार आज मैं आ चुका हूँ एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पर मुझे मिल चुके हैं कुछ खतरनाक शक्तियाँ जिनकी हेल्प से मैं बना सकता हूँ एकदम ओपी वाले स्ट्रक्चर जो कि दिखने में बहुत ज्यादा ऑसम होने वाले और लूट भी उतनी तगड़ी मिलने वाली है। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्ट्रक्चर बनाना, जिसके लिए हमें थोड़े बहुत ना ओक्स के प्लैंक्स वगैरह चाहिए, चेस्ट वगैरह चाहिए, फैंस चाहिए, काफी सारी चीज चाहिए। मतलब उसके लिए तो लकड़ियाँ चाहिए होगी, तो सबसे पहले थोड़ी बहुत लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। चलो ये आगे प्लैंक्स, इससे हमें एक चेस्ट बनानी है, एक चेस्ट, थोड़ी बहुत तो हमें फैंस और एक ट्रैप डोर बनाना है। हाँ बस अब देखते हैं इससे क्या बनता है। इससे ये, अबे ये, अरे ये तो शिपरैक है यार। शिपरैक वो भी टेढ़ी। देख रहे हो गाइस, तुमने शिपरैक देखी होंगी पानी के ऊपर, आज मैंने जमीन के ऊपर बना दिया है। बस थोड़ी बहुत लूट अच्छी मिल जाए इसमें से, जो कि मिलेगी ही नहीं। चलो इस वाली शिपरैक से तो मुझे ज्यादा कुछ खास तो मिला नहीं। अब दूसरे स्ट्रक्चर्स के लिए हमें थोड़ी बहुत स्टोन्स वगैरह चाहिए, तो सबसे पहले मैं एक पिकेक्स बना लेता हूँ और फटाफट से स्टोन जमा कर लेते हैं। चलो फाइनली यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत स्टोन के टूल्स वगैरह तो बना ही लिया, क्योंकि यार थोड़ा बहुत खाना भी तो जमा करना है। चलो मुझे यहाँ पे वूल भी मिल गई, उसे बेड की भी जरूरत है यार उस वाले स्ट्रक्चर के लिए, तो यहाँ पे मैं बेड तो बना ही लूंगा। चलो ये बन गया बेड, साइड से लगाने दो कोबलस्टोन, बीच में रखनी है चेस्ट, और ये बन गया हमारा क्या बना। ओ भाई ये तो पूरा गांव बना दिया इन्होंने, वो भी बकरियों के साथ। ये ज्यादा हैवी काम हो गया, और इतने सारे गांव वाले भाई, ये क्या करते हैं इन्होंने, बकरी ले आए वो तो चलो ठीक है, और ये इतने सारे विलेजर्स भाई, यहाँ की पॉपुलेशन तो कुछ ज्यादा ही है। चाइना वाले विलेजर आ गए क्या ये, और हमारे गोलम भाई साहब भी कुछ ज्यादा ही हैं। चलो आयरन की भी कमी दूर हो जाएगी अब। देखो ये होते हैं विलेज जो स्पॉन होने चाहिए माइनक्राफ्ट में। देखो एक सिंपल सा विलेज स्पॉन करा देते जिसमें दो विलेजर होते हैं, और इसमें देखो इतने सारे विलेजर्स हैं, इतने सारे एनिमल्स हैं, और मानना नहीं था बस ऐसे। चलो यहाँ पे एक ये, हाँ टूल्समिट वाले भाई साहब भी हैं यार, ये डायमंड हमें देंगे बहुत सारी तरह। देखते हूँ भाई, ओ तेरी भाई इतने सारे डायमंड ब्लॉक, नेदरराइट ब्लॉक और ऑब्सीडियन, ये कुछ ज्यादा हो गया यार। कोई नहीं, अपना तो फायदा ही है। इससे बना लेते हैं ढेर सारे डायमंड। ये आ गया भाई, कितना मस्त लग रहा है इतने सारे डायमंड। फटाफट से डायमंड के टूल्स और आर्मर बना लूं मैं। और देख रहे हो तुम्हारे भाई ने अपने आप को पहले दिन ही फुल्ली डायमंड में कवर कर लिया यार, वो भी इतनी ज्यादा मेहनत करके। अच्छा क्या मतलब, मैंने विलेज से चुराया सारा सामान। ये तो सही में ओपी लूट वाला विलेज था, और ये देख रहे हो ओपी लूट वाला विलेज था, और इन भाई साहब को गांव छोड़ के यहाँ भटकना है। अच्छा सामान मैंने चुरा लिया, अब तो कंगाल विलेज हो गया ना। छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ते हैं। और अगला स्ट्रक्चर बनाने के लिए ना मुझे थोड़ी बहुत ना डाई वगैरह चाहिए, जैसे रेड डाई चाहिए, ब्लू डाई चाहिए, और पिंक डाई। पिंक डाई किससे बनती है? अच्छा पिंक डाई बनेगी रेड डाई में, अगर मैं व्हाइट डाई मिला दूं तो पिंक डाई बनेगी, और व्हाइट हमें मिलती है बोन मिल से। तो अब रात का इंतजार करते हैं, और जब तक रात नहीं हो रही थोड़ा बहुत खाना जमा कर लेते हैं। ये देखो स्केलेटन को, मैं इतनी देर से वहां ढूंढ रहा हूँ, ये यहाँ आके छुप रहा है। रुक जा, एक देखा, एक भी नहीं मार पाया और कुछ दे भी नहीं पाया यार, इतना जोर से मार दिया कि मैंने हड्डी एक भी नहीं मिली। अरे हाँ मैं थोड़ा बहुत ना हेबेल जमा कर लेता हूँ यार, क्या जानवरों को मार के खाना जमा करना, हेबेल है ना अपना। चलो ये बन गई ब्रेड, अपना ढेर सारा खाना तो आ गया, चलो खाने की कमी दूर होगी। अब फटाफट से स्केलेटन दिखा दो यार मेरे को, बस थोड़ी बहुत हड्डियाँ चाहिए यार उसकी बस। अरे हड्डी पहलवान कहाँ चले गए यार, हड्डी पहलवान दिख गए हमको। अरे रुक जाए यार, रुक, पीछे भागना जरूरी है, बच के नहीं जा पा रहे, इसने दी हड्डी। हाँ हाँ चलो फाइनली इसने मेरे को बोन तो मिल गई। अब चलो ये बन गई अपनी बोन मिल, और बोन मिल से बना लेते हैं व्हाइट डाई, और इससे बन जाएगी अपनी अब पिंक डाई। ये बन गई चलो पिंक डाई, अपने तीनों डाई अपने पास हो गया। मेरे को थोड़ा ना बेड वगैरह चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे सोना पड़ेगा यार, उसके लिए मुझे सिर्फ व्हाइट वाले बेड चाहिए। उसके लिए शिप चाहिए यार, क्रीपर टू नहीं चाहिए यार, ये क्रीपर अलग परेशान करते हैं। चलो इस क्रीपर का तो मैंने गन पाउडर बना दिया यार। ये येलो वाले मेरे पास ना बेड पड़े हैं, मैं विलेज से चुरा लाया था, लेकिन मुझे ना व्हाइट वाले चाहिए। उसके लिए शीप चाहिए होंगी, या फिर गांव में एक आध व्हाइट वाला बेड मिल जाए तो सही है यार। वहाँ मैंने जहाँ तक देखे थे यहाँ तो पीले पीले पड़े हैं। चलो बढ़िया बढ़िया, एक मेरे को मिल गया व्हाइट वाला, और दूसरे के लिए यहाँ पर थोड़ी बहुत शीप तो मिली गई है, तुम थोड़ी सी वूल दे दो। और ये बन गया हमारा सेकंड वाला बेड, और यहाँ पे लगाना प्लैंक्स, और ये बन गया हमारा एक और बेड जो कि स्पॉन कराएगा। ओ भाई ओ ओ तेरी, ओ भाई देख रहे हो इतने सारे नेदरराइट और गोल्ड ब्लॉक, और ये विलेजर ऊपर क्या कर रहे। अरे ये स्ट्रक्चर थे, अच्छा वो थोड़ा भी दिखने रहे थे ना। हाँ देखो नेदरराइट देखा नहीं, चुराने पहला आ गया, निकल पहले तू। नेदरराइट यार क्या करूंगा इतने सारे ब्लॉक्स का, और इधर तो कुछ डायमंड के ब्लॉक रख रखे हैं जिनको मैं चुराना यार बिल्कुल नहीं चाहता हूँ यार, क्या करूंगा इतने सारे डायमंड का, जेब में पहले से भरे पड़े हैं। और यहाँ पे क्या स्टेप, अच्छा ये पढ़ने भी नहीं जा, पर इतना पता कि अगर मैं प्रेशर प्लेट पर पैर रखते ही मैं, मेरे को मिल जाएगा इफेक्ट और मैं आ जाऊंगा इनके ऊपर। और भाई ये तो काफी मस्त बना रखा है, ये एकदम हवा महल की तरह बना रखा, और ऊपर आने के लिए जंपिंग जपाक जपंग करना पड़ेगा। और यहाँ पर भाई पैसा ही
बस ठीक है जितना भी है लपेट लो बस। पता नहीं इतने सारे ब्लॉक का मैं क्या करूंगा, पर जेब में रखे हुए अच्छे लगते हैं तो रख ही लेते हैं। यहाँ भी मस्त चीजें रखी हुई हैं। और ये कौन सी डिजाइन बना रखा है ये नहीं पता, पर अच्छा लग रहा है जो भी है। हाँ अब लग रही है ना इन्वेंट्री ऐसी। मैं भी चाहता हूँ मेरे हार्डकोर वर्ल्ड में भी ऐसी इन्वेंट्री रहे मेरी। औकात मेरे पर वो होना थोड़ा मुश्किल है, पर कोई बात नहीं सह लेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पर तो ये पिंक, ये पक्का किसी लड़की का घर होगा यार, पूरा पिंकी पिंकी कर रखा है। चलो पिंकी के घर से थोड़े बहुत बो और एरो तो चुरा ही लेते हैं। और देखा ये रही ना पिंकी, पिंकी भाई सब कैसे हो? बढ़िया, यहाँ पर कुछ नहीं है। चलो यहाँ से नीचे चलते हैं। उत्तरी मेरे पास वाटर बकेट भी नहीं थी, हो गया काम। चलो जो इतना सारा सामान मैंने मेहनत से जमा किया था वो फाइनली मिल तो गया। ओ हाँ यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत कोल ले लेता हूँ यार, अंधेरा हो रहा है तुम्हें भी कुछ दिख नहीं रहा होगा। हाँ ये टॉर्च बना लेते हैं, अब दिखेगा तुम्हें एकदम HD में फुल्ली। और मुझे ना थोड़ा बहुत डीप स्लेट चाहिए। और ये माइनशाफ्ट यहाँ भी स्पॉन करा रखी है, पर माइनशाफ्ट की जरूरत नहीं है यार। हाँ ये है ना डीप स्लेट, चलो यहाँ बगल में मुझे डीप स्लेट भी मिल गया है। और बस बस ऊपर से कोई धप्पा मत कर देना, धप्पा यार रोकने के लिए है ना अपने पास डायमंड ब्लॉक। तो यहाँ से काफी सारे डीप स्लेट तो जमा हो ही गए हैं, अब सीधा बाहर चलते हैं। ओ डिस्को ब्लॉक, हाँ डिस्को ब्लॉक भी चाहिए यार मेरे को। ये गाना गाने वाले ब्लॉक है ना, ये भी तो चाहिए यार, इनसे भी तो मस्त वाला स्ट्रक्चर बनेगा। तो थोड़े बहुत गाना भी गा लेते हैं ब्लॉक जमा करते करते। पहले गोलम भाई साहब तुम थोड़ा ना मेरे को आयरन दे दो यार, वाटर बकेट बनाना बहुत जरूरी है वरना गिर गिर के मरता रहूंगा और बेइज्जती होती रहेगी। चलो ये बन गई अपनी वाटर बकेट। और डीप स्लेट से मुझे बनाना है पॉलिश डीप स्लेट, और इनको लगाएंगे ऐसे और ये बनेगा हमारा। ओ भाई ये तो लश केव जैसा कुछ बना दिया है, मतलब ये ग्लो बेरीज आ गए ना, और यहाँ पे डीप स्लेट है और थोड़े डिस्को वाले ब्लॉक हुए हैं और व्हाइट वाले हैं। डिस्को वाले ने अच्छा डिस्को वाले अंदर बना रखे हैं, और ये नेदर पोर्टल वो भी नेदर राइट ब्लॉक्स का। और चेस्ट में तो भाई इतना सारा गोल्ड और पिगलिन। चलो यहाँ पे अब नेदर पोर्टल बना हुआ मिला ही है तो नेदर में भी चल लेते हैं। थोड़ी बहुत ब्लेजर और तो जमा करनी है। और मैं निकला हूँ बेकार सी जगह पे, आसपास तो कहीं नेदर फोर्ट्रेस कहीं दिख नहीं रही है। छोड़ो चलो फिर वापस घर चल लेते हैं। अब बनाते हैं नया वाला स्ट्रक्चर, वो भी इन्हीं ब्लॉक से मिल जाएगा। ये डांस वाले ब्लॉक है ना इन्हीं से बन जाएगा, तो फटाफट से इसे भी बना लेता हूँ, देखते हैं इससे हमें क्या बनता है। अब तो इससे बना है ओ तेरी ओ भाई नेदरराइट का ये बीकन बना रखा है क्या? हाँ बीकन है भाई, नेदरराइट बीकन बना रखा है काफी। और ये भाई की हाँ ये बताओ मेरे को ये कौन सा नूब था जो इतना तगड़ा नेदरराइट का बीकन बना के चला गया? होगा कोई मेरे जैसा। और देख रहे हो घर का गेट भी तोड़ रखा है, लेकिन सामान थोड़ा बहुत मिल जाए, चेस्ट वगैरह तो काफी रखी हुई है। और नेदरराइट का आर्मर नहीं चाहिए यार, नेदरराइट के टूल्स नहीं चाहिए मेरे पास, नहीं चाहिए। और टोटम तो चाहिए भाई, टोटम तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वाले चेस्ट में भाई इंचेंटेड गोल्डन एप्पल, वो भी इतने सारे, खाने की कमी दूर होगी। फटाफट से लपेट लो जितना भी है भाई, सारा लपेट लो। ओ हाँ मुझे थोड़े बहुत ग्रेनाइट ब्लॉक भी चाहिए, ये जो ब्राउन ब्राउन से है ना ये, हाँ ये ग्रेनाइट ही होते हैं, ये मुझे थोड़े से चाहिए, तो फटाफट से इन्हें भी जमा कर लेते हैं। चलो इससे देखते हैं क्या बनेगा। साइड में ग्रेनाइट लगाना है, बीच में हमें डायमंड लगना है, और इससे बनेगा एकदम मस्त वाला। ये क्या बना दिया बे? का बवासीर बना दियो? क्या गंदा आ गया भाई ये घर में। ओ चलो ये अच्छी बात है, मुझे नेदरराइट के टूल्स तो मिल ही गए। और हाँ अगले स्ट्रक्चर के लिए यार मुझे थोड़े बहुत ग्लो बेरीज चाहिए, तो यहाँ पे मैं लस केव में तो आ गया हूँ, शायद लस केव है यहाँ से, थोड़े बहुत ना मैं ग्लो बेरीज जमा कर लेता हूँ। और उसके लिए ना मुझे एक चेन चाहिए, तो एक फटाफट से एक चेन भी बना लेते हैं। और ये रखी ग्लो बेरीज, और ये बन गया भाई। ये तो कुछ दिखने में मेरे को माइनशाफ्ट जैसा लग रहा है, काफी छोटी सी है माइनशाफ्ट लेकिन दिखने में काफी बढ़िया लग रही है। और यहाँ पर कुछ तगड़ा सा भाई, ये छोटे मोटे ब्लॉक मत रखा करो यार, ये गोल्ड नेदरराइट ये देखो देखो, पिकेक्स भी काफी इंजॉय करने वाली मिली है लेकिन बढ़िया मिली है। और ये सब यार नेदरराइट स्क्रैप, हट इतनी बेकार चीजें लूंगा क्या मैं? इतने सारे नेदरराइट ब्लॉक पहले से पड़े हैं तो अब क्या ही चुराना अब। और बाकी चीजों के लिए मुझे नेदर जाना ही पड़ेगा, और मैं वो जगह छोड़ के आ गया पता नहीं कहाँ पे, तो मुझे नेदर पोर्टल बना लेना चाहिए। चलो यहाँ पे मैं फटाफट से एक नेदर पोर्टल बना लेता हूँ। चलो ये आ गई फ्लिंट, इससे बना लेते हैं फ्लिंट एंड स्टील, और अब चलते हैं सीधा नेदर में। ओ तेरी ओ भाई लावा, अबे यार डर क्यों रहा यार, इंचेंटेड गोल्डन एप्पल खा रखा है मैंने। वैसे सही बताऊं अगर इंचेंटेड गोल्डन एप्पल नहीं होता ना, नेदर में आना भारी पड़ जाता मेरे को। वो तो शुक्र है इंचेंटेड गोल्डन एप्पल ने बचा लिया। तो अब चलते हैं सीधा फोर्ट्रेस ढूंढते हैं। और काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे यहाँ पे फोर्ट्रेस मिल चुकी थी, और बगल में मुझे यहाँ पे ब्लेज स्पॉनर भी मिल चुका था, तो फटाफट से अब ब्लेज रॉड भी जमा कर लेते हैं।
चलो यहाँ पे मेरे पास 7 ब्लेज रॉड तो आ गए हैं, अब सीधा ब्लू वाली बायोम में चलते हैं, वहां से चाहिए मुझे काफी सारे एंडर पर्ल्स। और उसके बाद मैंने ब्लू वाली बायोम में जाके काफी सारी एंडर पर्ल जमा की और एक नया पोर्टल बना के सीधा बाहर आ गया। और बाहर आते आते एडवांसमेंट मिल जाए तो मजा ही आ जाए, इसका मतलब काफी ज्यादा भागा हूँ आज मैं। और बाहर जाने का रास्ता चलो उस बागल में ही है यार, और ये शायद मुझे जंगल बायोम जैसी लग रही है। जंगल बायोम, ओ क्रीपर बायोम है क्या? ए भाई क्रीपर देखो भाई क्या हमसे मुंह छुपा रहा है। ओ तेरी भाई ये जगह देखो क्या मस्त लग रही है, छोड़ो इन सब चीजों को, अब नया वाला घर बनाते हैं अपना। उसके लिए मुझे चाहिए आई ऑफ एंडर, तो एंडर पर्ल तो जमा कर लिए हैं काफी सारे, यहाँ से आई ऑफ एंडर बना लेते हैं। चलो यहाँ पे आई ऑफ एंडर तो बनी गई, अब इससे बनाना एक मस्त वाला स्ट्रक्चर। और ये लगाई एंडर पर्ल और ये बन गया हमारा एंड पोर्टल। ओ तेरी ये तो पूरा डायमंड का है भाई, यहाँ पर कुछ लिखा भी है वेलकम टू द मोस्ट ओवर पावर स्ट्रक्चर इन द होल माइनक्राफ्ट। सही में ओवर पावर है ये, लग तो रहा है, बस अंदर पोपट मत कर देना, जस्ट एंजॉय द लूट इनसाइड। ओ भाई लूट मिलने वाली है इसका मतलब तगड़ी। और मुझे यहाँ पर नेदरराइट ब्लॉक भी चमक रहे हैं, और ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना दिया यार इन्होंने, और यहाँ पर पोर्टल होगा पक्का, और देखो वो भी एक्टिवेट वाला है, बढ़िया। चलो ये भी बस मेरे अंदर आग लग गई। और यहाँ पर एक चेस्ट भी है, क्या लिखा है, दिस इज द मोस्ट पावरफुल चेस्ट, जस्ट एंजॉय विद द डेटा। भाई इसका मतलब कुछ भी हो, इस वाली चेस्ट में मुझे ऐसी लूट मिलने वाली है, ऐसी लूट मिलने वाली है, मैंने भी नहीं देखी होगी आज तक कभी। तो ये सारी लूट फेंक दो ना, ये किस काम आएंगी, मैं ये सामान फेंक तो रहा हूँ, बस ऐसा ना हो कि ये मोड़ वाले ने मेरे साथ पोपट कर दिया हो। अब देखते हैं चेस्ट में हमें क्या। ओ तेरी भाई नेदरराइट का आर्मर टूल्स, भाई एन्चेंटमेंट क्या लगी है इस पे इतनी तगड़ी, भाई इलाइट्रा भी दे दी, बो एरो, भाई क्या क्या सामान दिया इसने। चलो ये बढ़िया है, डेटा पैक वाले भाई साहब ने हमारे साथ धोखा नहीं किया, लूट काफी मस्त वाली दे दी है। और एक चेस्ट है मैंने उस साइड भी देखी थी, एक साइड चेस्ट उस साइड भी है, तो यहाँ पर अपना रिस्पॉन पॉइंट सेट कर दिया मैंने। और चेस्ट में भाई ये कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन नेदरराइट लूंगा मैं, डायमंड नहीं ले रहे आज। तो अब चलते हैं सीधा एंडर ड्रैगन को धोने के लिए। अरे एंडर ड्रैगन तो मार खाते रहता है, बेसिकली मुझे वहाँ पे थोड़े बहुत एंड स्टोन चाहिए, और वो जो हमें वहाँ मिलते हैं ना, वो कौन सी जगह होती है, एंड सिटी, हाँ वहाँ पे जो हमें वो मिलते हैं पर्पल वाले ब्लॉक, वो चाहिए। तो अब वो सारा सामान चाहिए, तो एंडर भाई साहब की तो कुर्बानी देनी पड़ेगी ना। बात तो सही है, और देख रहे उन्हें मेरे से पंगा ले रहे थे, अपनी आंखें छोड़ के चले गए। और इन भाई साहब को मान यार कोई बड़ी बात नहीं है यार, एक तीर में देखो भाई हाफ HP, दूसरा और भाई गेमर जतिन वाज किल्ड ट्राई टू हर्ट गेमर जतिन ब्लो, मैं अपने आप से मर गया, ये अनोखी चीज कर दी मैंने आज। पता नहीं यार वहाँ पे क्या हुआ, मेरे तो यार कुछ समझ में आया नहीं, तुम्हें आया हो तो एक बार कमेंट्स में जरूर बताना कि यहाँ पर क्या हुआ और मैं कैसे मर गया, मुझे खुद नहीं पता चला पर मैं मर गया। पता नहीं यार बेइज्जती होगी थोड़ी सी, पर कोई नहीं, अपना सामान तो मिल ही गया दोबारा से। अब देख एंडर ड्रैगन को मैं हवा में उड़ते उड़ते मारूंगा, इलाइट्रा कब काम आएगी, बस निशान एकदम परफेक्ट लगने चाहिए। कभी बार मैं हग रहा हूँ, वैसे हग में कुछ ज्यादा ही रहा हूँ पर निशाने तो लग ही जाएंगे, बस एक दो और लग जाए। और देखो भाई लेकिन अभी भी सदमे में हमारा एंडर ड्रैगन, मर गया भाई तू, मर जा अब तो। चलो फाइनली ये तो मर गया। चलो यहाँ पे एंडर ड्रैगन का तो खात्मा मैंने कर दिया, वो अलग बात है कि जाने से पहले एक बार मैं ही मर गया था। अब मुझे जाना सीधा एंड सिटी, तो यहाँ से सीधा एंड सिटी चलते हैं। चलो फाइनली मुझे यहाँ पर ये पर्पल वाले ब्लॉक तो मिल ही गए, एक ही चाहिए मुझे, ज्यादा नहीं चाहिए। और यहाँ से पहले ना सीधा घर चल लेते हैं, घर चल के अपना काम करेंगे, घर चल के बनाएंगे वो ओपी वाला घर, जिसके लिए हमें क्या करना है, बीच में रखना है पर्पल वाला ब्लॉक और साइड साइड लगाने एंड स्टोन, और ये बनेगा हमारा एक विलेज जो कि पूरा का पूरा एंड वाली थीम पे बना हुआ है। कुछ भी कहो दिखने में काफी मस्त सा तो लग रहा है। और पता नहीं ये इतनी सारी पॉपुलेशन यहाँ पर कैसे आ जाती है, कुछ ज्यादा ही आ रखी है, थोड़ी बहुत मैं खत्म भी कर देता हूँ। बस यार बहुत खत्म कर लिया, अब नहीं करना। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, होपफुली आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ गाइस यार मुझे तुम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये रहा मेरा यूजर नेम। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।